दरअसल आज सुबह जो आदमी नाश्ता लेकर आया था वो काफी बदतमीजी से पेश आए। रजाक, विनीत बाबू ने जब उससे शिकायत की तो कहने लगा कि खाना है तो खाओ वरना बाहर में जाओ। उसे दूसरे के बच्चे की फीलिंग से कोई कदर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को तो उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। यह है पिंकी। पिंकी हाँ। देखो हम अपने पिंकी बेटे के लिए खाना लेके आए हैं। इधर आ जाओ। आपको भूख लगी ना बेटा? हम क्या लाए हैं आपके लिए? गर्मा गर्म समोसे। कैसे गाएंगे? आज तुम तेरे मेरे प्यार के समोसे क्या कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। ये यम्मा ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल है कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। आदाब भाईजान। आदाब। बस भाईजान, नौकरी के लिए खाल छान रहा था, फिर पता नहीं तकदीर में क्या लिखा हुआ। आओ बैठो, आओ खाना खाते हैं। भाईजान, आप लोगों ने खाना नहीं खाया? अरे भले, मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है? भाई शब्बू, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। भाईजान, भाभी जान ने भी खाना नहीं खाया? नहीं, वो कोई बात नहीं, वो शाम को सुला रहे। भाभी जान, जल्दी ले आइए, बहुत भूख लगी है। लाती हूँ लगाती हूँ खाना, बस सारा दिन खाना खिलाओ। अकेली जान मैं क्या क्या करूँ, और वैसे भी इतनी कम आमदनी में घर कैसे चलाती हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो छोड़ो, कहाँ की बातें लेकर बैठ गई हो, बेचारा थका हारा आया है, भूखा है, खाने के बाद की तो लगे बड़बड़ करने। जाओ जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है। लाती हूँ, पर अपने भाई साहब को जरा समझा दो कि काम धंधा करे, कुछ हाथ पैर चलाए अपना। अरे भाई, अब तुम कहाँ चलोगे? भाई जान, मुझे भूख नहीं है, आप ही खाइए खाना। अरे बात तो शब्बो, ए तेरे पास क्या था? चल आजा, चल भाई तेरी बारी अभी, आजा चल चले मारे दियो, चल तू इधर आजा। अजय चल भाई, टाइम पास मत कर। अरे क्या हो गया रे अजय, चल ना यार,
अबे कितनी देर देखेगा पत्ते, चल पैसा डाल। अरे क्या हो गया? ये लुढ़क गया ये साला, खेलते साथी पैकअप, इसको इसके लिए मैं नहीं बैठा था। चढ़ गई क्या तेरे को? तेरी रजक भाई, क्या हुआ रजक भाई, क्या बात है? कुछ मत पूछ यार, जिंदगी दोजख हो गई। नहीं क्यों, क्या हो गया? पहुंचा देंगे यार, यार भाभी जान से झगड़ा हो गया, दम लगा दे। अरे पर झगड़ा कौन सी ऐसी बात है तूने झगड़ा कर लिया यार? बस यार वो जिंदगी के रोजमर्रे की परेशानियां। कौन सी? तू एक काम कर, तू ये ले, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे। ए मैं सब चीजों से दूर हूँ, ये लोग ये सब तुम्हें ही मुबारक। अबे कुछ नहीं है, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे ले ले रजाक, सारे गम जिंदगी तेरे दूर हो जाना, चल ले। नहीं इसमें नशा होगा। अबे नहीं सादा, अबे ये सादा है ना, ये कुछ नहीं, चल ले। पानी पी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार तुझे दोस्तों पे भरोसा नहीं, चल ले। कुछ नहीं ले ले ले। और तुम ऐसे आजकल इधर आता नहीं यार, क्यों रजाक? तुझे याद हो? अरे क्या बात है रजाक, मजा तो आ रहा है ना? पी ले पी ले पीले यार, कुछ नहीं होगा, पीले। मजा आया ना भाई। कुछ नहीं यार, तू ले कुछ नहीं, चल बिंदास ले। और रजाक बड़े दिनों बाद तुझे दोस्तों की याद आई, क्यों यार? अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सर घूम रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। अरे अभी सब ठीक हो जाएगा, तू एक काम कर, तू ये ले। ये क्या है? अबे कोल्ड ड्रिंक है, कुछ नहीं, चल पी ले पी ले पी ले पी ले यार, तेरे ही दिन है, चल पी ले पी ले मेरे यार। आज तेरे जिंदगी का सारे गम दूर, बस तू यहाँ से सीधा घर जा, तेरी आजादी शुरू आज से, चल जा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। रजक भाईजान, रजक रजक, संभालो संभालो भाई, अपने आप को संभाल। क्या रजक, तुम नशा करके आए हो? नहीं भाईजान, मेरे दोस्तों ने शराब पिला दी मुझे। नशा करके आए हो? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब यही बाकी था? देखा, देख लिया अपने भाई को? बहुत प्यार करते हो ना अपने भाई को? आज ये दिन दिखा दिया आपको, अब मैं यहाँ नहीं रहेगा। आप फिर सुनो गई मुकदमा, आप जाइए, आप ऊपर जाइए, आप ऊपर। नहीं जाऊंगी, ये जाएगा यहाँ से, नशा करके इस घर में कोई नहीं रहेगा। शान शान ये सब देखेगा, शान को मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी अगर ये यहाँ रहेगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा मेरे भाई। जब मैं शान को देख नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, तो मैं किस हक से रहूंगा? मैं जा रहा हूँ भाईजान। मजाक अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाने दो बुढ़िया, प्लीज। नहीं रजाक अंकल, विनीत अंकल, विमला आंटी। हाँ क्या हुआ? क्या हो गया बेटा?
रजाक अंकल देखिए कहीं जा रहे हैं। बाजार में क्या हो गया, कहाँ जा रहे थे? मुझे जाने दो दोस्तों, मैं तुम्हारी आजादी में बाधा नहीं बनना चाहता, बोझ नहीं बनना चाहता तुम लोगों पे। बोझ? अरे किसने कहा तू हम पर बोझ है? रजाक यहाँ कोई किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि हम सब एक दूसरे का सहारा है। भूल गया हम लोग यहाँ क्यों आए थे? इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस गुड़िया के साथ खेल नहीं सकता, मस्ती नहीं कर सकता इसके साथ। जो भी है रजा, लेकिन तुझे इस मासूम का दिल दुखाने का कोई हक नहीं है। नहीं भाई, क्या बात करते हो? मैं इस बच्चे का दिल तोड़ूंगा? और नहीं तो क्या, अगर तू चला जाएगा क्या ये दुखी नहीं हो जाएगी? विनीत भाई, मेरी मौत का गम बर्दाश्त करने से अच्छा है कि ये बच्ची मेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर ले। और फिर तुम लोग हो ना, कुछ दिन में बच्ची संभल जाएगी, सहल जाएगी। मुझे जाने दो प्लीज। अंकल प्लीज, मैं जाए रजाक अंकल प्लीज। रजाक, जिस बच्चे ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है, उसके सामने हर गम छोटा है, और इसे जिंदगी और मौत का सामना करना सीखना चाहिए। हाँ रजाक, अरे मौत जिंदगी का एक और पहलू है, कहीं नहीं जाएगा तू। अच्छा, हमारी खातिर नहीं, मासूम की खातिर बच्चा, बोल तू कहीं नहीं जाएगा, बोल तू कहीं नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। विक्की, सुना तुमने, तुम्हारे अंकल कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे पास। जाओ बच्चा, सुला दो इसे। चलो, अब तुम्हारे अंकल कहीं नहीं जाएंगे, आज सो जाओ। क्या है ये सब, क्या बचपना था ये? अरे हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन अगर हम इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो इस मासूम का क्या होगा? पूछना नहीं। मुझे माफ कर दो विनीत भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं वायदा करता हूँ आइंदा नहीं जाऊंगा। उठो बेटा, उठ के हाथ मुंह धो के चाय नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। पिंकी बेटा, चलो बाहर खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना है। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप आइसक्रीम खाएंगी? नहीं। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? अभी ले आता हूँ। नहीं। आपके सर में या पेट में दर्द तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब अभी जाइए, जाइए यहाँ से, जाइए। पता नहीं सर क्या हो गया, कल कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? मुझे पता नहीं, पर शायद रजा तुम्हें मालूम हो, शायद अपनी अम्मी की तस्वीर ढूंढ रही हो, शायद उसे मिले कि नहीं पता नहीं। आप हम ढूंढ रहे। हाँ चलो। पता नहीं कहाँ रखी है। अरे मिल गई, ये मिल गई। हाँ मिल गई। हाँ। ये रजाक, तस्वीर मिल गई। अरे शुक्र है। कहाँ गई? ये तकिए के नीचे रखी थी। ठीक है, ठीक है, नीचे। यार याद आया, मैं अपनी परेशानी में भूल ही गया था, इसी ने रखी थी। कोई बात, उसको दिखा देते हैं, उसे खुशी हो जाएगी। चलो पिंकी बेटे। नहीं बेटे, देखो क्या लाए हैं आपके लिए। मुझे बहुत मजा आता है। रजाक अंकल, विनीत अंकल और विमला आंटी बहुत अच्छे हैं। माँ, ये मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे चीजें देते हैं, कहानियां सुनाते हैं,
और खेलते भी है। माँ अगर तुम मेरे साथ होती तो और भी मजा आता। माँ तुम कहाँ हो? माँ तुम कहाँ हो? माँ पिंकी बेटा मैं यहाँ हूँ। बेटा माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाने गई थी। बेटा जलेबियाँ? हाँ बेटा जलेबियाँ तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। आओ बैठो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। आओ बैठो। मैं अपने पिंकी बेटे को अपने हाथों से जलेबियाँ खिलाऊंगी। लो हाँ हाँ बेटा। माँ हाँ बेटा मुझे परियों की कहानी सुनाओ ना। नहीं बेटा पहले तुम नाश्ता कर लो फिर मैं परियों की कहानी सुनाऊंगी। नहीं माँ पहले तुम मुझे परियों की कहानी सुनाओ वरना मैं नहीं खाऊंगी। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो बेटा। अच्छा सुनो। परियां सुंदर सुंदर सी होती है वो दूर ऊपर भगवान के पास रहती है। जब एक दिन एक प्यारी सी बच्ची उसे बुलाती है ना तो ऊपर से धरती पर आकर उसके साथ खेलती है उसे ढेर सारे खिलौने देती है और बहुत सारे स्वीट्स देती है। माँ हाँ बेटा पापा भी तो भगवान के पास ही है ना वो भी परियों के साथ है उनको भी तो डेली स्वीट्स स्वीट्स मिलते होंगे ना। हाँ बेटा तुम्हारे पापा के चलते ही तो मुझे भी। माँ पापा के चलते तुम्हें भी क्या हुआ? मुझे भी एड्स हो गया बेटा। वो क्या होता है माँ? एड्स एक खतरनाक बीमारी है बेटा जिसे एक बार हो जाए वो कभी पछता नहीं है बेटा। वो भगवान के पास चला जाता है हमेशा के लिए। माँ तुम भी चली जाओगी? माँ हाँ बेटा इस धरती पे जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है कोई पहले तो कोई बाद में। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। बेटा माँ जा रही हूँ। मैं तुम कहाँ जा रही हूँ? माँ बेटा मैं जा रही हूँ मैं फिर आऊंगी। बेटा मैं फिर आऊंगी। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। माँ तुम कहाँ जा रही हो? माँ सिस्टर को कह तो दिया है कि मरीजों की तस्वीर अखबार में छपवाएंगे पर जब अखबार वाले और डीन साहब मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर ये मामला उछला तो हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी। मुझे शुरू से ही उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए था। अगर उन मरीजों के रिश्तेदार आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इस मामले में डीन साहब को लिखना ही अच्छा रहेगा और उन्हें सब कुछ बता देना ही ठीक रहेगा। साहब आपको यह खत इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारी बात से आपको अवगत करा सकूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सही बात जानने पर आप हमारी मदद कर सकेंगे। हमारे एड्स वार्ड के मरीज विनीत विमला रजाक और पिंकी किसी को बिना बताए अस्पताल से लापता हो गए हैं। हेलो हाँ हाँ भेज दीजिए उसे सेनेमिन।
जी नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं निरंजन। निरंजन? निरंजन कौन? आपके यहाँ एक मरीज है ना, विमला। ओ आई सी, तो आप विमला जी के देवर हैं। कहिए क्या सेवा की जाए आपकी। सेवा? अरे सर, सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए, आखिर आपने हमारी भाभी का कितना ख्याल रखा है। भाई ऐसे ही शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे, ये तो हमारा फर्ज है। पर आप इस वक्त? जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि भाभी का हालचाल पूछता चलूं। काफी नेक ख्याल है। आपको पता है मरीजों को सिर्फ दवाई नहीं, अपनों के प्यार की भी जरूरत होती है। और हमारे हॉस्पिटल में काफी ऐसे मरीज हैं जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें इस तरह बेदखल कर दिया है जैसे उनकी जिंदगी का वो हिस्सा ही नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, हम उन लोगों में से नहीं है। विमला जी आखिर हमारी भाभी हैं और भाभी तो माँ के समान होती है ना। काफी मीठी बातें कर लेते हो। अपनी बातों से तो मुझ जैसे बूढ़े पेड़ को भी ताजगी दे दी है तुमने। पर बात यह है कि आप इस वक्त विमला जी से मिल नहीं सकते। पर क्यों, कोई खास बात है? दरअसल बात यह है कि मरीजों के विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और वैसे भी हॉस्पिटल ने यह नियम बनाया है कि मरीजों को संडे के संडे मिला जा सकता है। पर ऐसा नियम क्यों? दरअसल बात यह है निरंजन जी के ये महसूस किया गया है कि जिन मरीजों के रिश्तेदार उन्हें मिलने आते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर जिनके रिश्तेदार नहीं मिलने आते वो बहुत दुखी होते हैं। जिनके रिश्तेदार मिलने आते हैं उन्हें संडे के संडे मिलने दिया जाता है और बाकी जिनके रिश्तेदार नहीं आते उनको किसी एक्टिविटी में बिजी रखते हैं या पिकनिक ले जाते हैं। विचार तो बहुत ही अच्छा है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे विमला भाभी से मिलना है, आज ही मिलना है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपने उनसे आज मिलना है? देखिए डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू बातें होती हैं जो मैं आप पर जाहिर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। इन दैट केस मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता उनसे मिलने की। अरे डॉक्टर साहब, कुछ मतलब अगर कुछ ले दे के अगर अगर मिलना संभव हो जाए तो मतलब आप समझिए डॉक्टर साहब। आप मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आप समझदार हैं, कभी कभी इंसान जिंदगी में समझकर भी नहीं समझता और कभी कभी नासमझ इंसान भी समझदार होने का दावा करता है। निरंजन जी आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे विमला भाभी से मिलने की क्या कीमत लेंगे? यानी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत तो बहुत ही घटिया शब्द है डॉक्टर साहब। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा देना चाहे तो क्या आप उसे रिश्वत कहेंगे? मिस्टर निरंजन मैं आपका दोस्त नहीं हूं, आप प्लीज यहां से चले जाइए। अरे डॉक्टर साहब आप तो बुरा मान गए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो आप निकाल रहे हैं। बात साफ है, मुझे विमला भाभी से मिलना है, किसी भी कीमत पर मिलना है, आज और अभी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की मुझसे? आपको पता है इस जुर्म में मैं आपको जेल भिजवा सकता हूं। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, पहले खुद ही कहते हैं कि रिश्तेदार मरीजों को मिलने नहीं आते और जब हम मिलने आते हैं तो आप हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं। देखिए मुझे आपकी शिकायत अब डीन साहब से करनी होगी। देखिए आप बेमतलब बात को बढ़ा रहे हैं, दरअसल बात यह है कि इस वक्त मरीज सब आराम कर रहे हैं, मैं चाहूं भी तो आपको नहीं मिलवा सकता उन्हें। आराम ही कर रहे हैं ना, मर तो नहीं गए, और जो आदमी सो रहा है उसे जगाया भी जा सकता है। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। ठीक है तो मुझे मजबूरन डीन साहब से शिकायत करनी होगी। देखिए मैं अब भी कहता हूं मेरी मुलाकात विमला भाभी से करवा दीजिए। आपको उनसे कुछ जरूरी काम है? जी हाँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी कागजात साइन करवाने हैं, जैसे मकान के कुछ बीमा के कागजात हैं। देखिए डॉक्टर साहब मुझे उनसे मिलने दीजिए, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान?
देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप वो कागजात मुझे दीजिए, मैं विमला जी से दस्तखत करवा के आपको दे देता हूँ। जी नहीं, मुझे उनसे बात भी करनी है। और अब आप ये मत कहिएगा कि कैसेट पर रिकॉर्ड करके दे दो, मैं उन्हें सुना दूंगा। आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। और आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। अरे क्या मुसीबत है? अरे आप मुझे विमला भाभी से क्यों मिलने नहीं दे रहे हैं? देखिए मैं आपको सारी बात खुलकर बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि अरे ये क्या कपा चपा चपा कर रहे हैं, बोलिए ना क्या बोलना है। दरअसल वो विमला नहीं है। क्या कहा आपने? विमला मेरी भाभी दुनिया में नहीं है और आपने इस बात की मुझे खबर भी नहीं की? अरे मेरा मतलब ये नहीं था, दरअसल कुछ मरीज और विमला जी लापता हैं। लापता है? देखिए आप प्लीज घबराइए मत, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं आप? अरे जब मैं बैठे बैठे आपसे पूछ रहा था कि मेरी भाभी कहाँ है, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी भाभी लापता है? देखिए मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं पेपर वालों के पास जाऊंगा, मैं मोर्चा लेकर आऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर जाऊंगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी भाभी लापता है? आप निरंजन जी बेफजूल उत्तेजित हो रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने के लिए। देखिए हम अखबार में भी खबर दे रहे हैं, हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए प्लीज। कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन। कुछ दिनों में अगर मुझे मेरी भाभी की खबर नहीं आई तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे।